हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि बिना एटीएम कार्ड के गूगल पे में आप लॉगिन कर सकते हो और गूगल पे चलाकर आप बहुत सारे कैशबैक पा सकते हो और गूगल पे में अपने अकाउंट को बिना एटीएम कार्ड से जोड़ सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गूगल पे से आप अपने अकाउंट को कैसे ऐड करोगे और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि बिना एटीएम कार्ड के आप गूगल पे में कैसे लॉगिन करोगे और कैसे उसका यूज करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर से गूगल पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इंस्टॉल कर लिया है, अब मैं इसे ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपको इसे अनलॉक करना है और अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरे सामने गूगल पे एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। आपको यहाँ से अकाउंट ऐड करना है इसमें, तो आपको इसे स्क्रॉल करके नीचे खींचना है और नीचे खींचने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है बैंक अकाउंट एड्स एंड कार्ड। तो मैंने यहाँ पे दो बैंक अकाउंट अपने ऐड कर लिए हैं और आज के इस वीडियो में मैं बिना एटीएम कार्ड के एक अकाउंट को ऐड करने वाला हूँ। तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है ऐड बैंक अकाउंट का बटन। आपको सिंपली इस वाले बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस वाले बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। और आपको एक बात बता दूँ, आपको यहाँ से एरो वाला बटन पर क्लिक करना है और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया जाता है ऐड कार्ड, यानी कि आप यहाँ से एटीएम कार्ड को ऐड कर सकते हैं और यहां से अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो हमें बैंक अकाउंट ऐड करना है तो आपको बैंक अकाउंट वाले पे क्लिक करना है। तो बिना एटीएम कार्ड के आप यहां पे अपने अकाउंट को ऐड कर सकते हो। अब आपको जिस बैंक का अकाउंट इसमें ऐड करना है उस बैंक को यहाँ पर उसका नाम सर्च कर लेना है। तो मैं आज पेटीएम को ऐड करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ से ऊपर जो सर्च बार दिया गया है आपको इसमें टाइप कर देना है पेटीएम। तो देखिए मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ पेटीएम और जैसे ही हम इसमें टाइप करेंगे पेटीएम, आप यहाँ देख सकते हैं हमारे सामने पेटीएम का नेम आ जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको पेटीएम पेमेंट बैंक, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया मेरे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और जिस मोबाइल नंबर से आप पेटीएम चलाते हैं आपको वो मोबाइल नंबर यहाँ पे दिख जाएगा। आपको अगर मोबाइल नंबर चेंज करना होगा तो आप यहां से चेंज पे क्लिक करेंगे और यहां से अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसी नंबर से पेटीएम चलाता हूं, तो मैं सिंपली पेटीएम के यही नंबर को मैं यहां से स्किप करूंगा और इस रो वाले बटन से बैक आऊंगा। बैक आने के बाद आपको यहाँ से सेंड SMS वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये आपके अकाउंट को SMS के लिए वेरीफाई कर रहा है और यहाँ से आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा और आपके मोबाइल नंबर से सिंपली 1.5 रुपये कट हो जाएंगे। आपका मोबाइल नंबर रिचार्ज होना चाहिए तभी आपका अकाउंट इसमें ऐड हो सकता है। अब आपको यहाँ जो कंटिन्यू का बटन दिया गया है आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपको कुछ सेकेंड वेट करना है जब तक आपके अकाउंट को ये जुड़ रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एडिंग अकाउंट, यहाँ पर अकाउंट एडेड सक्सेसफुली हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो अब हम इसके बैलेंस को चेक करेंगे कि इसमें कितना बैलेंस है। तो बैलेंस चेक करने के लिए आपको सिंपली इस अकाउंट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिया गया है व्यू बैलेंस का बटन, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ये आपके UPI पिन आपसे पूछेगा, आपको सिंपली UPI पिन एंटर कर देना है। पिन एंटर करने के बाद आपको यहाँ राइट क्लिक करना है और ये आपके अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर शो कर देगा। अब आपको बैक आने के लिए ऊपर जो एरो का बटन यहाँ पे दिया गया है लेफ्ट साइड में, आपको सिंपली इस एरो पे क्लिक करना है और आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं और अपने अकाउंट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपका UPI ID यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप अपना QR कोड किसी को सेंड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली डिस्प्ले एंड QR पे क्लिक करना है और आपका QR कोड यहाँ पर आ चुका है। अब आपको अगर ये QR कोड सेंड करना है तो आप सिंपली यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेट अमाउंट पे क्लिक करके आप यहां से अमाउंट सेट कर सकते हैं। और अगर किसी को ये QR कोड सेंड करना चाहते हैं तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं। अब आपको यहां से बैक आने के लिए ऊपर जो क्रॉस का आइकन दिया गया है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और आप यहां से बाहर आ सकते हैं। अगर आप UPI पिन चेंज करना चाहते हैं या फिर भूल गए हैं तो आपको यहाँ फॉरगॉट UPI पिन का ऑप्शन दिया जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने कार्ड नंबर का आपका जो ATM कार्ड है उसके अंतिम 4 अंक यहाँ पे आपको एंटर करना है। और एंटर करने के बाद आप यहाँ पे
अपना मंथ और ईयर सेलेक्ट इसमें एंटर करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे तो आपका एटीएम कार्ड अपने आप बैंक अकाउंट के यूपीआई पिन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने यूपीआई पिन। अब आपको यहाँ से बाइक आने के लिए ऊपर जो एरो का बटन दिया गया है लेफ्ट साइड में, आपको इस एरो पे क्लिक करना है और आप यहाँ से बाइक आ चुके हो। अगर आपको एटीएम कार्ड इसमें ऐड करने हैं तो आप यहाँ जो ऐड कार्ड का बटन दिया गया है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब अगर आपके पास एटीएम या डेबिट कार्ड होंगे तो ये डिटेक्ट करेगा और आपको खुद से कैंडिडेट करना है। जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा आपको उस बैंक का यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है और यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपके एटीएम कार्ड को सक्सेसफुली ऐड कर लेगा। सो अब हमें बाइक आना है यहाँ से, तो बाइक आने के लिए ऊपर जो क्रॉस का आइकन दिया गया है हम इस पर टैप करेंगे। क्रॉस के आइकन पर टैप करने के बाद आप यहाँ से बाहर आ सकते हो। अब आपको यहाँ से बैलेंस चेक करने का एक और मेथड है, आपको सिंपली इस एरो पे क्लिक करके आप यहाँ से बाइक आ जाएंगे और बाइक आने के बाद आपको अगर बैलेंस चेक करना है अपने अकाउंट का तो आप यहाँ से स्क्रॉल करके इसे ऊपर खींच देंगे और यहाँ से कट करेंगे और एप्लीकेशन को दोबारा से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, आपको अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो आपको यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा चेक अकाउंट बैलेंस का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे किस अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं आपको सिंपली उस अकाउंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से अपना यूपीआई पिन एंटर करेंगे। यूपीआई पिन एंटर करने के बाद आपको यहाँ से राइट क्लिक करना है। अब जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे आपका अकाउंट बैलेंस यहाँ से शो कर देगा। जिस भी बैंक का अकाउंट आप इसमें ऐड करना चाहते हैं आप यहां से जो ऐड का बटन आपको दिया गया था आप सिंपली यहां से उस ऐड वाले बटन पर क्लिक करके किसी भी बैंक के अकाउंट को आप यहां से ऐड कर सकते हैं। ऐड बैंक अकाउंट वाले बटन पर क्लिक करके और किसी भी बैंक के अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए आप यहाँ से जो चेक बैलेंस का ऑप्शन दिया गया है आपको सिंपली इस बटन पर क्लिक करना है और आप यहाँ से जिस बैंक का बैलेंस चेक करना चाहते हैं आप उस बैंक पर टच करेंगे और उस बैंक को सेलेक्ट करने के बाद आप अपने जिस यूपीआई से इसमें लॉगिन किया है उस पिन को आप यहां पे एंटर करेंगे और अपने बैलेंस शो कर सकते हैं। अब आपको कैश बैक पाने के लिए यहां जो ऑफर्स दिया गया है आपको सिंपली इस ऑफर्स वाले बटन पे क्लिक करना है और आप यहां से देख सकते हैं दो मोबाइल रिचार्ज करने पर मिनिमम 98 रुपये के मोबाइल रिचार्ज करने पर आपको 500 रुपये तक कैश बैक मिलेंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पर कैश बैक दिया जाता है अगर आप जो इसमें इसका क्वालिफिकेशन दिया गया है आप अगर इस क्वालिफिकेशन को पूरा करते हो, आप अगर इतना अगर काम कर देते हो जैसे कि दो मोबाइल रिचार्ज करोगे कम से कम 98 रुपये के दो मोबाइल रिचार्ज करोगे तो आपको 501 रुपये तक कैश बैक दिए जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप 1 लाख तक का कैश बैक लेना चाहते हैं तो आपको हर शुक्रवार को यहाँ पर 500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा और एक सप्ताह में आपको मैक्सिमम 3 स्क्रैच कार्ड ही मिलेंगे। तो आप एक सप्ताह में 3 स्क्रैच कार्ड ही यहां से पा सकते हैं। अब आपको बाइक आने के लिए ऊपर जो एरो का बटन दिया जाता है इस एरो पे क्लिक करके आप यहां से बाइक आ सकते हो और बाइक आने के बाद आप यहां से मोबाइल भी रिचार्ज कर सकते हो। मोबाइल रिचार्ज करने के लिए आपको यहां जो न्यू पेमेंट का बटन दिया गया है आपको सिंपली इस न्यू पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिया जाता है मोबाइल रिचार्ज का बटन, आप सिंपली इस पर क्लिक करके किसी भी सिम का किसी भी कंपनी का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो जैसे कि BSNL और MTNL, यहाँ से एयरटेल, जियो, वोडाफोन, किसी भी कंपनी का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो। आपको ऑपरेटर सेलेक्ट करना है और ऑपरेटर सेलेक्ट करने के बाद या फिर आप यहाँ से मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ से आप कोई भी प्लान सेलेक्ट करेंगे और प्लान सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हो और यहाँ से कैशबैक पा सकते हो। अगर आपको कोई बिल पेमेंट करना है तो आप यहां से बिल पेमेंट पे क्लिक करके बिल पेमेंट कर सकते हो और यहां से बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करके मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहां से फ़ोन उसके मोबाइल नंबर के द्वारा भी आप यहां से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहां से QR कोड स्कैन करके भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर कलेक्ट भी कर सकते हो और यहाँ से सेल्फ ट्रांसफ़र पर क्लिक करके आप अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो और बहुत सारे कैशबैक पा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि बिना एटीएम कार्ड के आप अपने अकाउंट को गूगल पे में कैसे ऐड कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो आपके फोन की भी घंटी बजे और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा।